हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए एक अमेजोन हॉल लेकर आई हूँ। मैंने खरीदे हैं कुछ किचन यूटेंसिल्स एंड अनदर प्रोडक्ट। सो मैं आपको बता देती हूँ बारी बारी कि मैंने क्या क्या खरीदा है और प्राइस आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, बिकॉज किसी की भी प्राइस मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने वन बाय वन धीरे धीरे 1 से 2 महीने में इन प्रोडक्ट्स को मंगवाए थे। सो आपको इसकी प्राइस स्क्रीन पर मिल जाएगी। सबसे पहले मैंने मंगवाया था एक कुकर। जी हाँ, दिस इज़ द यूटेंसिल्स कुकर और ये एक 3 लीटर कुकर है। और हमारे पास अभी 2 लीटर कुकर था और 3 लीटर कुकर ख़राब हो गया था और वो ठीक बार बार ठीक कराना एंड ऑल। और मुझे इस तरह का एक कुकर चाहिए था जिससे कि यहाँ पर इस तरह से ईजिली सफाई हो जाए। सो ये एक डिफरेंट तरीके का यूटेंसिल्स है, बिकॉज अब तक हमारे यहाँ ट्रेडिशनल पिछले 20 से 25 सालों से जो कुकर इस्तेमाल होता है वो एक रबर की रिंग वाला होता है जिसमें ढक्कन जो होता है वो कुकर के अंदर जाके और लगाया जाता है जैसा कि नॉर्मली होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसको ओपन करने का जो तरीका है वो इस तरह से है, इस तरह से ओपन करना और इस तरह से ओपन करना, और इसे लगाने का भी डिफरेंट तरीका है। हालांकि जब ये आया था तो मुझे इसे ओपन करने और बंद करने में प्रैक्टिस करनी पड़ी थी क्योंकि इस तरह के कुकर हमारे इधर यूज़ कभी फर्स्ट टाइम ही देखा है मैंने। सो नहीं यूज़ किया और ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। और इसके बारे में बता देती हूँ कि ये एक इंडक्शन पे चलने वाला कुकर है। सो मुझे ओवरऑल ये अच्छा लगा है और ये ISI मार्क भी है। सो दिस इज़ द वेरी नाइस और मैंने इसे अभी बहुत बार यूज़ किया है, कई बार। मतलब डायरेक्ट आप इसकी अगर लिड हटा दो ना तो आप इसे एज अ कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से यू कैन सी हियर, यहाँ पर इस तरह से, और इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, सब्जी वगैरह या सूखी सब्जी भी छोंक सकते हो। अगर कुकर लगाओगे तो आप सीटी ले सकते हैं, अदरवाइज इसे डायरेक्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सेकंड जो प्रोडक्ट है मेरा वो है अप्पा स्टैंड। जी हाँ, मुझे एक अच्छा सा मुझे कुकिंग का थोड़ा सा शौक है। मैं यूट्यूब पर वीडियोस देख देख के बनाती हूँ, सीखती हूँ। मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ, देख देख कर ही सीखती हूँ। सो दिस इज़ द अप्पा स्टैंड और इसका अभी ब्रांड नेम एंड प्राइस मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी। सो ये इस तरह का एक लिड आता है और इसके साथ आया है एक लकड़ी का स्टिक जो मैं यूज़ नहीं करती, मैं स्पून यूज़ करती हूँ। सो इस तरह से ये नॉन स्टिक है और आप इसमें अप्पे बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना भी पड़ता है नॉन स्टिक हो तो भी। सो ये मेरा सेकंड प्रोडक्ट था और इसके साथ ना एक बर्तन मांजने का एक स्पॉन्ज आता है, वो भी साथ आया था, जो मैं रख के कहीं भूल गई हूँ तो सॉरी, वो मैं नहीं डिस्प्ले कर सकती। नेक्स्ट मैंने किचन यूटेंसिल्स जो मंगाया है वो है एक छोटा सा चॉपर। सो अभी इन दिनों हम घर पे ही है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करते रहते हैं, तो उस वजह से मैंने एक चॉपर मंगवा दिया ताकि प्याज टमाटर या वेजिटेबल्स को बारीक चॉप करना आसान हो जाए। हाथों से काटते हैं तो कई बार हाथ पे कट लग जाते हैं या फिर उतना बारीक नहीं होता है, इसमें बहुत अच्छे से बारीक हो जाता है। और इसमें इस तरह से आप रबर को खींच के और इसमें इस तरह से रिंग चलती है तो आप इसमें अच्छे से चॉप कर सकते हो। और ये मैंने बहुत अच्छे से रिव्यू दूसरों के देखने के बाद ही मंगवाया, इससे पहले मैंने इसे ट्राई नहीं किया था। तो इसके अलावा मैंने मंगवाया है कुछ एक फैन क्लीन करने का बॉक्स जिसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। ये पैक का पैक ही है और हम इसे अभी यूज़ करेंगे क्योंकि अभी तक फ़ैन को क्लीन करने का समय आया नहीं है। लाइक अभी तक ये आया था जब तक ऑलरेडी क्लीनिंग हो चुकी थी, तो अब नेक्स्ट बार जब भी होगा तब मैं इसे यूज़ करूँगी। और इसमें इस तरह से रॉड्स आते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ इसे निकाल के। तो ये इस तरह की एक रॉड आती है जिससे आप यूज़ करके इसे फ़ैन तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप इससे फ़ैन नहीं तो आप इसे डायरेक्ट भी कुछ भी हाथ से इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, एज अ सिंगल हैंडेड भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पाइप है ये लंबा हो जाता है इस तरह से, यू कैन सी। सो आप चाहे जितनी इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये इस तरह से बैंड हो जाता है, सो आप इससे पंखा फैन इजीली क्लीन कर सकते हैं ऊपर की साइड से भी। एंड सॉरी फॉर द नॉइस, हमारे घर के पास रेल की पटरियां हैं तो अक्सर थोड़ी थोड़ी देर में ट्रेन्स निकलती हैं। सो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है, मैंने किचन के लिए कुछ कंटेनर्स मंगवाए थे। तो मैंने सबसे पहले मंगवाया है टी और शुगर का कंटेनर्स। और आज से पहले हमारे किचन का जो मेकओवर था वो नहीं हुआ था, तो दिस इज़ द शुगर एंड टी। हमारे यहाँ कॉफ़ी कम इस्तेमाल होती है इसलिए मैंने कॉफ़ी का नहीं मंगवाया है जार, जो कि अगर आप कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप शुगर टी कॉफ़ी का पूरा कॉम्बिनेशन मंगवा सकते हैं। हम लोग कॉफ़ी कम यूज़ करते हैं तो जो भी डब्बी आती है उसकी कांच का जार आता है कॉफ़ी का, उसे ही हम फ्रिज में रख देते हैं, उसे ही इस्तेमाल करते हैं। सो ये इस तरह से बॉक्स है, ये एयर टाइट कंटेनर है और यहाँ पर इस तरह से दिखता है। मैंने ऑलरेडी कंटेनर यूज़ किया है,
उसमें सामान भरा है, मैं वही उठा के लेकर आ गई हूँ किचन से, सो प्लीज़ इग्नोर। और ये इस तरह से इसमें हैंडल है जो कि आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मुझे डिसएडवांटेज ये लगा है कि जैसे चाय पत्ती तो कम इस्तेमाल होती है बट शक्कर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होती है, तो इसकी साइज़ में भी अगर एक शुगर वाला बड़ा और ये छोटा होता तो बेटर होता, बट इट्स ओके, ये भी अच्छे हैं। और ये इस तरह से एयर टाइट कंटेनर है, इस तरह से यहाँ पर एक प्लास्टिक का लिड लगा हुआ है जिससे कि ये बॉक्स आसानी से बंद हो जाता है। इसमें ना थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ट्रिक के साथ बंद करने पड़ेंगे, बट अगर आप अदरवाइज दूसरे प्रोडक्ट भी चाहें तो परचेज कर सकते हैं। अमेजन पे टी और शुगर के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्टील में है, स्टेनलेस स्टील में है, प्लास्टिक में है, जार्स में है। सो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो मंगवाया है मैंने इस तरह का ट्रांसपेरेंट जार जो कि 12 कंटेनर्स का पूरा पैकेट आया है। तो ये पूरे 10-12 आई थिंक मैं मेंशन कर दूंगी, मुझे याद नहीं है कि कितने जार आए थे और इनकी पूरे पैकेज की प्राइस क्या थी। सो उसमें मैंने ये मंगवाए हैं और ये बहुत अच्छे हैं, 1 kg की कैपेसिटी है इनकी। इस तरह से ये एयर टाइट है, ये बिल्कुल अच्छे से बंद हो जाते हैं। और अभी भी मैं डब्बे खाली करके लेकर आई हूँ, इन्हें हमने यूज़ कर लिया, पूरा किचन सेटअप कर दिया था। और मैं इनकी इमेज अगर पॉसिबल हुआ तो मेंशन कर दूंगी यहाँ स्क्रीन पर, आप देख सकेंगे। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो जार है वो परचेज़ किया था, दिस जार, और ये 6 का सेट आता है जिसे मैंने 2 ऑर्डर किए हैं, टोटल 12 कंटेनर्स हैं। वैसे उसमें दिया था कि ये 1500 ग्राम कैपेसिटी का है, बट ऐसा नहीं है, इसे 1500 ग्राम नहीं, इसमें 1100 से 1200 ग्राम का कैपेसिटी ही है, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें नहीं आता है। तो ये मुझे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगा इसमें, बट मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी थी और ऐसे लुकिंग वाइज अच्छे लगते हैं, और जो स्क्वायर शेप के डब्बे होते हैं ना वो स्पेस भी कम वेस्ट करते हैं, अच्छे से आ जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें स्क्वायर शेप के मंगवाया है। तो ये था मेरा सेकंड प्रोडक्ट। और उसके बाद जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाया है वो है एक कांच का जार, और इसका भी ब्रांड नेम एंड प्रोडक्ट की प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी। ये पूरे 6 का सेट था जो कि इस तरह से है, यहाँ से दिखता है, जो किचन में ट्रॉलीज होती हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, अदरवाइज़ हर डब्बे को ओपन कर करके देखना पड़ता है अगर आप एक जैसे लेते हैं तो, बट इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और ये बहुत सुंदर और बहुत प्यारे लगते हैं किचन में, सो मैंने ये मंगवाए हैं। और पिछले 20 से 25 सालों बाद पहली बार किचन का मेकओवर हो रहा है, क्योंकि पहले जब मैं काफ़ी छोटी थी तब जो मम्मी ने कंटेनर्स परचेज किए थे वही कंटेनर्स चलते आ रहे थे, तो इस बार हम न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं तो उसी के साथ कुछ थोड़ा थोड़ा मेकओवर चलता रहेगा, मे बी थोड़ा थोड़ा आगे भी चलता रहेगा। सो ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, आप इसमें काफ़ी सारे कंटेनर्स मिल जाएंगे आपको, 750 ग्राम, 300 ग्राम, आई थिंक 2 kg मे बी उतने तक मैंने देखे थे। सेकंड जो मैंने परचेज़ किया है, मैंने इसी जार में, ट्रांसपेरेंट जार में बड़ा वाला परचेज़ किया है, आप देख सकते हैं। और ये ना इसमें एक चीटिंग हो गई है थोड़ा सा, ये 180 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी की कैपेसिटी में लिखा हुआ था, बट इसमें 100 ग्राम प्रोडक्ट भी आ जाता है, मैं वो भी बहुत फर्स के 100 ग्राम आ जाता है, तो उससे ज़्यादा कैपेसिटीज़ की नहीं है। तो अगर आपको मंगवाना है अच्छा खासा ज़्यादा क्वांटिटी के लिए तो आप इसकी बड़ी साइज़ मंगवा सकते हैं, और जो कि 180 ग्राम कैपेसिटी के साथ आता है, और ये 180 ग्राम कैपेसिटी का साथ है, बट सेम प्रॉब्लम इसमें भी है, इसमें भी उतनी प्रोडक्ट क्वांटिटी नहीं आती है जितनी की दी हुई थी। इसमें 300 ग्राम आई थिंक लिखा हुआ था, 300 ग्राम की कैपेसिटी लिखी हुई थी, बट ऐसा नहीं है। और ये भी इसी तरह का है, ये थोड़ा सा बड़ा है, और जबकि एक्स्ट्रा ज़्यादा सामानों के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के कंटेनर्स होने से काफ़ी सारे सामान अच्छे से आ जाते हैं। तो ये इस तरह का जार है और ये इस तरह से ओपन होता है, यू कैन सी, और यहाँ पर इस तरह से आप इसमें सामान भर सकते हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ये दोनों डिफरेंट ब्रांड के परचेज़ किए थे, बट सच्ची बताऊँ तो सबसे बेटर ब्रांड जो कंटेनर्स की इन दोनों में है ना, वो ट्रायो करके एक ब्रांड है जिसका नाम मैं मेंशन कर दूंगी, और ये वाला बेस्ट है, आप इसी कंटेनर्स में जाएं। ये मुझे थोड़ा लो क्वालिटी का लगा और इसका लिड भी थोड़ा मुश्किल से बंद होता है,
उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैंने ऑर्डर करी है वो करी है एक बास्केट, जो कि एक मैंने किचन पेंट्री, जो अपने एक्स्ट्रा ग्रॉसरी बच जाते हैं पैकेट्स में, और या फिर एक्स्ट्रा ग्रॉसरी हम एडवांस लेके रखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी फैमिली होती है तो कभी भी कुछ भी ख़त्म हो जाए तो कुछ चीज़ें हम एडवांस परचेज करके ही रखते हैं, उसके लिए मैंने ये बास्केट ली है। और अभी मैंने एक ही बास्केट परचेज करी है, बट इस तरह की लिड वाली और बिना लिड की बास्केट मेरा 2-3 और परचेज करने का मूड है, तो मैंने एक ही मंगवाया था ताकि मैं देखूँ इसकी साइज़ क्या है, अगर मुझे इसकी साइज़ सही लगेगी तो लगी तो मैं इसमें दूसरी साइज़ भी मंगाऊंगी। तो ये एक लार्ज साइज़ की बास्केट है और मैं इसमें और भी मंगवाने वाली हूँ। ये काफ़ी स्टर्डी है, मटेरियल अच्छा है, इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है, आप इसे डायरेक्ट भी अगर दिखता हुआ भी रखेंगे ना तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा, सो मैं इसीलिए इस तरह की बास्केट्स और भी मंगवाऊंगी। तो बेसिकली इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है, दो और प्रोडक्ट है जिनकी इमेज मैं मेंशन कर दूंगी विद प्राइस, बिकॉज वो हमने यूज़ कर लिया है और मैं उसे नहीं हटा सकती। और वो एक किचन सिंक का कॉर्नर प्लेट है जिसमें बर्तन मांजने का जो लिक्विड होता है वो स्पॉन्ज वगैरह इजीली आ जाते हैं, सो वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है, बट उसकी क्लीनिंग भी उतनी ही मस्ट हो जाती है, उसे हर 2-3 दिन में क्लीन करना पड़ता है, सो मुझे वो उसका इतना वर्थ नहीं लगा। और ओके प्रोडक्ट है, मैंने यूज़ कर लिया था तो मैंने उसे रिटर्न नहीं किया, सो इसलिए। उसके अलावा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसकी क्लिप मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी विद प्राइस आपको, और उसकी क्लिप ही मेंशन करूंगी, वो क्लिप आप देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या परचेज किया है। मैंने लिया है एक सेंटर टेबल जो कि मुझे दिवाली के हिसाब से घर के लिए चाहिए था, और मुझे ये थोड़ा सा आउटडोर एरिया के लिए चाहिए था, तो ये काफ़ी स्टडी है, नीचे का जो मटेरियल है इसका स्टील का है और ऊपर का जो है वो वुडन प्लेटफॉर्म है, उसी के साथ मुझे ये आउटडोर एरिया के लिए चाहिए था। और आउटडोर एरिया में हमारे यहाँ पर कभी कभी स्नेक्स या छोटे मोटे इंसेक्ट निकल जाते हैं, तो इस वजह से ये नीचे से काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर या फिर पीछे की साइड भी कोई अगर थोड़ा सा भी कोई बैठा हो तो पता चल जाता है, तो ये भी पर्पस था मेरा इसको लेने का। और एक आउटडोर छोटा सा सिटिंग एरिया बनाने के पर्पज़ से मैंने लिया है, जब भी मैं नेक्स्ट इसका सिटिंग एरिया बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये टेबल काफ़ी स्टडी है और ये मेरी बेस्ट परचेज है 2020 की, तो आप भी चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं। वेट मशीन हमने परचेज़ करी थी, तो मैंने वेट मशीन परचेज़ करी है, और वेट मशीन मैंने परचेज़ करी है अमेज़ोन बेसिक की, इस तरह का इसमें कंटेनर आया है और इस कंटेनर में जो वेट मशीन है वो इस तरह से यहाँ पर रखी हुई आई है, आपको मैं बता देती हूँ, दिस इज़ द वेट मशीन, और ये यहाँ पर इस तरह से रखी हुई बहुत काफ़ी सेफ्टी से आई है। और ये एक वेट मशीन है जो कि किचन टूल्स में यूज़ कर सकते हैं, और इसमें ऑन ऑफ का बटन होता है, इसमें यूनिट आप चेंज कर सकते हो, आपको ML में चाहिए तो ML फिक्स कर सकते हो, ग्राम में चाहिए तो ग्राम में यूज़ कर सकते हो, सो ये काफ़ी मम्मी को मॉम को मेरी हेल्पफुल रहेगा, उनको रिक्वायरमेंट थी तो मैंने मंगवाया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके साथ एक कैटलॉग फ्री आई है, इसको आपको कैसे यूज़ करना है, मैनुअल फ्री आई है, पूरी की पूरी बुक है, आप चाहे तो इसके पूरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद इसके साथ फ्री आया है 2 सेल, जो पेंसिल सेल इसमें लगते हैं वो भी इसी के साथ आए हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, और इसकी भी प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी। तो आई होप आपको ये अमेज़न हॉल वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो ये अमेज़न हॉल अच्छा लगा है और आप ऐसी अपकमिंग और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हॉल कैसा लगा है। सो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।